हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कि बड़े मशीन से कटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए रोज़ ना रोज़ कोई नया नया वीडियो तरीका लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना। एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आप लोगों को काम के बारे में समझा देता हूँ कि कैसे मैं कटिंग करता हूँ और कैसे आप लोग कटिंग करिएगा। आप नए अगर नए मशीन पर जाएंगे, नए मिस्त्री या आप नहीं कभी कटिंग किए हैं तो कैसे कटिंग करेंगे। दोस्तों, जो बड़ा मिस्त्री रहता है वो तो खुद समझ जाता है मेरे को कैसे कटिंग करना है नहीं करना है। बड़ा मिस्त्री को बात छोड़ दीजिए दोस्तों, वो बड़ा मिस्त्री हमेशा दिमाग लगा के ही काम करता है, वो कटिंग कर लेगा ही। बात रहा दोस्तों छोटे मिस्त्री, अगर छोटे मिस्त्री या कोई नया आपको, ये तो हेल्पर भी कटिंग कर लेता है दोस्तों, ज़्यादातर हम लोग हेल्पर से ही कटिंग करवाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं कटिंग कराऊँ और कैसे आपको कटिंग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि फरमे का। दोस्तों, आप छोटे मशीन चलाते होंगे उसमें दोस्तों कितने पे ब्लेड रहता है, 100 mm पे रहता है, कोई 96-98 ऐसा ही रहता है दोस्तों, कोई 105 mm जैसा मशीन रहता है वैसा फरमा रहता है दोस्तों। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है दोस्तों। उधर से जो देख रहे हैं दोस्तों, वो जो पट्टी डाला हुआ है, बोल्ट लगा है दोस्तों, उसमें दोस्तों उससे नाप लेंगे ब्लेड से। अब ये कितने पे ब्लेड है, टेप से नाप लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, जितने का आपको कटिंग करना है मशीन से, उसको दोस्तों 4 इंच 3 इंच कितने का उसमें लग रहा है फरमे में, उसको दोस्तों यही इसी पे काट देंगे। उसके बाद दोस्तों, हमको जितना का पट्टी काटना है वो फरमे से लगा के देखेंगे कि ये कितने का कट रहा है दोस्तों। थोड़ा मशीन चला के देखेंगे कि ये कितने का कट रहा है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि दोस्तों छोटा है कि बड़ा है, मेरे को जितना का साइज़ चाहिए उतना का है कि नहीं। उससे दोस्तों आप पैकिंग दे के या फिर से टाइल या मार्बल कुछ कटिंग करके डालेंगे फरमे के हिसाब से, तो आप अच्छे तरीके से कटिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो में समझा दिया हूँ कि कैसे कटिंग करना है। आपको रोज़ ना रोज़ दोस्तों, रोज़ रोज़ नया नया वीडियो दिखाता रहता हूँ, नया नया काम के बारे में समझाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कटिंग करना है। तो दोस्तों, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए दोस्तों छोटा ही वीडियो में आपको समझा दिया हूँ कि कैसे कटिंग करना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में।